हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को लेके आए हुए हैं हुमायूं के मकबरे पर दोस्तों। और ये मकबरा आप लोगों को जब देखेंगे तो ये मकबरा ताजमहल की याद दिलाएगा। और ये जो गेट आप लोग देख रहे हैं, ये तीसरा गेट है जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत बना हुआ है। और आप लोग इसकी खूबसूरती से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसी ताजमहल से कम नहीं है। और दोस्तों, इस मकबरे में 150 से ज़्यादा कब्रें बनी हुई हैं। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि हुमायूं का ये मकबरा उनकी पत्नी ने बनवाया था। और इस मकबरे में देश विदेश से लोग आते हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हुमायूं के साथ साथ उनके जो दरबार में रहते थे, उन्होंने उनके लिए भी मकबरे बनवाए थे। और उन्होंने ये सब मकबरे इसलिए बनवाए थे क्योंकि उनका मानना था कि हम सब एक हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, इतने दिल के अच्छे थे वो। और इसी वजह से कहा जाता है कि हुमायूं के मकबरे में 150 से ज़्यादा कब्रें बनी हुई हैं। और ये जो जीना आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे मकबरे की तरफ। तो चलिए, अब आप लोगों को ऊपर लेके चलते हैं। आप लोग इसकी हाइट देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इसको बनाने में कितना ज़्यादा वक्त लगा होगा। और यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं, यहाँ पर भीड़ हमेशा बनी ही रहती है। आप लोग ये ग्राउंड देख सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग सामने देख सकते हैं कि कितनी कब्रें बनी दिख रही हैं। और ये जो आप लोग गेट देख रहे हैं, ये गेट सीधे मकबरे की तरफ जाता है। ये मेन गेट है हुमायूं के मकबरे का। तो चलिए, टाइम ना लेते हुए मैं आप लोगों को अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि हुमायूं की कब्र कहाँ बनी हुई है। और आप लोग देख सकते हैं कि पहले ज़माने में जो गेट बनते थे वो कितने ज़्यादा भारी गेट बनते थे। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस मकबरे की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आप लोग यहाँ आइएगा ज़रूर एक बार। और ये जो वाइट पत्थर से आप लोगों को बनी हुई कब्र दिखाई दे रही है, ये किसी और की कब्र नहीं बल्कि हुमायूं की कब्र है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हुमायूं की दो पत्नियाँ थीं और दोनों की कब्र इसी मकबरे में बनी हुई है। वहाँ भी मैं आप लोगों को लेके जाऊँगा। तो दोस्तों, अब मैं हुमायूं की दोनों पत्नियों की कब्रें आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग सामने देख रहे हैं, सामने दो कब्रें बनी हुई दिखाई दे रही हैं। और यही वो दोनों कब्रें हैं जो हुमायूं की पत्नियां थी दोस्तों। इन्हीं दोनों में से एक ने हुमायूं का मकबरा बनवाया था। और दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि इनकी कब्रों को भी कितनी अच्छी तरीके से इनकी कब्रों पर नक्काशी की गई है। आई होप दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।